एवरीवन, मैं राधा, मेरे कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी के मोदक। हमने एक कटोरी बारीक वाली सूजी ली हुई है, एक कटोरी नारियल बुरा लिया हुआ है, यहाँ हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं बादाम और पिस्ता के, 2 चम्मच हमने घी लिया हुआ है, 1 चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया हुआ है, 4 चम्मच हमने कंडेंस मिल्क लिया हुआ है और 1 कप दूध लिया हुआ है। आइए हम बनाते हैं सूजी के मोदक। अब हमें क्या करना है, घी ऐड करना है। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम घी ऐड कर देंगे। हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हमें सूजी ऐड करनी है। गैस का फ्लेम मध्यम करके गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। हमारी सूजी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें नारियल बुरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें नारियल बुरा ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे, ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। अब हम कंडेंस मिल्क भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 कप दूध भी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें 1 मिनट तक इसे और चलाना है ताकि हमारी सूजी दूध को अच्छे से सोख ले। देख सकते हैं आप, हमारी सूजी ने दूध को अच्छे से सोख लिया है। हमारा मिश्रण बनकर तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, हमारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे गैस ऑफ कर देंगे, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम मोदक बना लेंगे। 1 प्लेट में हम ठंडा होने के लिए डाल देंगे। हमें इसे ज्यादा भी नहीं ठंडा करना है, हल्का ही ठंडा करना है। हम इसे हाथों से थोड़ा फैला देंगे ताकि हमारा मिश्रण जल्दी से ठंडा हो जाए। हमारा मिश्रण ठंडा हो चुका है, अब हम इसके मोदक बना लेंगे। इसके सांचे में घी लगा देंगे ताकि हमारे मोदक अच्छे से बने, चिपके नहीं। अब हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेते जाएंगे और मोदक के सांचे में डालते जाएंगे। अच्छे से दबा देंगे ताकि हमारे मोदक की डिजाइन अच्छे से आए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमारा मोदक परफेक्ट बना हुआ है। वापस से हमें वही करना है, सांचे में थोड़ा सा घी लगाना है, सांचे को बंद कर देना है। वापस से हमें मिश्रण मोदक में डाल देना है और इसे अच्छे से दबाना है। ये देखिए हमारा मोदक कितना अच्छा बना हुआ है। इसी तरीके से हमें सारे मोदक बनाने हैं।
अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप आधा कटोरी पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पिसी हुई चीनी भी आधा कटोरी हम डाल सकते हैं, उससे भी हमारे मोदक बहुत अच्छे बनेंगे। और कंडेंस मिल्क मैंने 4 चम्मच यूज किया हुआ है। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हो तो 2 चम्मच और बढ़ा लीजिए। देखिए बहुत जल्दी बन गए ना हमारे मोदक। बहुत इजी रेसिपी है ये, आप घर पे इसे जरूर ट्राई कीजिए और गणपति बप्पा को इसका भोग जरूर लगाइए।